लालू प्रसाद का जंगल राज को समाप्त करना था, अच्छा गवर्नमेंट देना था, वो सारी उसकी प्रक्रिया है। 20 साल हो गए सर उसका, लेकिन चिंता मत करिए, भाजपा का भविष्य अच्छा रहेगा। विपक्ष बार बार आप लोगों को बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहा है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जितना आपकी राजनीतिक साख उतना ही आपको पैसे का सहयोग। बीजेपी एक नारा देती है या बीजेपी के कार्यकर्ता नारा देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, विपक्ष बार बार इसी का सवाल उठाता है कि राम को लाने वाले ये होते कौन, राम जी तो कहीं गए ही नहीं थे, राम जी तो वहीं थे, हमारे रामलला 10 साल टेंट में भींगते थे, राय जी क्षमा करिए आप, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता था, कस के कहा कि हमारे रामलला भींगते रहेंगे। मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है, जेल में डेथ होना थोड़ा सा तो अननेचुरल, मुझे शर्म आती है। ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स, वो बीजेपी के नेताओं को कभी रेड नहीं करती, पहली बात, और दूसरी बात, विपक्ष के जिन नेताओं को रेड करती है वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको रेड नहीं करती। थोड़ी उस बात को वो हल्ला करते हैं तो कर लीजिए। ऐसा क्या है कि ममता जी के बंगाल में सारे आतंकवादी ये विश्वास करते हैं कि हमें पनाह मिलेगी? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जिसमें आप लोगों का भी कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष सहयोग रहा। किस तरह से, क्या प्रशांत भूषण, क्या शांति भूषण, क्या साजिया इल्मी, मैडम बेदी, क्या अनुपम खेर, क्या योगेंद्र जी, सबको साइड करके निकल गए। तो हम इस वक्त बैठे हैं पटना में और ये घर है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का, जिनके साथ हम नाश्ते पर बैठे हुए हैं। चूँकि पटना में चुनाव आखिरी चरण में है इसलिए फिज़ा थोड़ी सी खामोश है, नेताजी के पास थोड़ी सी फुर्सत है और इसी फुर्सत में हम बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति 2024 में कैसी होने जा रही है और बिहार से निकली हुई राजनीति पूरे देश में 2024 में कैसे होने जा रही है। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और इतना अच्छा नाश्ता करवाने के लिए। अरे धन्यवाद। यहाँ तो चुनाव आखिरी चरण में है लेकिन बीजेपी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इस नारे के साथ आप लोग? देखिए आप, जैसे जैसे अभी तो पहला फेज भी नहीं हुआ है, अभी तो शुद्ध भाषा में चुनाव की वानगी अभी सज रही है। ये चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, 370 भी पहुँचेंगे, 400 के पार भी जाएंगे और भाजपा का कमल उन इलाकों में कसकर खिलने वाले हैं आला है जहाँ पहले कम खिलता था। मतलब 400 पार के लिए आप लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं? बिल्कुल, एनडीए के साथ। एनडीए के साथ 400 पार के लिए आप लोग प्रतिबद्ध? बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि पटना की बात हो रही है, पटना साहिब से आप सांसद हैं, इस बार क्या किया था आपने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कि वो पार्टी तो छोड़िए प्रदेश ही छोड़ करके चले गए हैं और इस बार कोई विपक्ष आपके सामने कैंडिडेट तक देने को तैयार नहीं हो पा रहा है? देखो भैया, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उनके खिलाफ जब लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनका पूरे चुनाव में एक बार भी नाम नहीं लिया, आज भी नाम नहीं ले रहा। हमने एक ही बात कहा, पटना की आवाज़ खामोश नहीं रहेगी। तो लगभग 290,000 वोट से हराया उनको। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, ये देश अब मोदी जी के साथ चलता है, भाजपा के साथ चलता है और पटना की सीट तो पूरी पारंपरिक भाजपा की सीट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष बार बार आप लोगों पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहा है और इस आरोप की शुरुआत तब हुई और ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा तीखे तरीके से, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। चूँकि आप कानून मंत्री भी रहे हैं, आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत सारी अहम जिम्मेदारियाँ आपने वाजपेयी सरकार में भी संभाली हैं, मोदी सरकार में भी संभाली हैं, विपक्ष के इस आरोप को कैसे देखते हैं आप लोग, क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला? देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, करेंगे, वो पूरा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ईमानदार पैसे को लाने की कोशिश थी, पहली कोशिश थी, चुनाव होगा तो खर्चा लगेगा ना, खर्चा होना चाहिए ना, स्वाभाविक है। तो आज जब 75 ईयर्स हो गए तो लगता नहीं है कि ईमानदारी से कुछ होना चाहिए फंडिंग का। और थोड़ी सी मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, मैदान में वही रहेगा जो जनता चाहेगी। मैं यार बच्चा था तो जनसंघ वाले घूमते थे, दुकान दुकान 10 रुपया पान मिलता था, कांग्रेस को सब मिलता था,
जितना आपकी राजनीतिक साख उतना ही आपको पैसे का सहयोग। लेकिन विपक्ष इसको दूसरे तरीके से देख रहा है ना रविशंकर जी, चूंकि ये कह रहा है कि आपने ईडी के कई कंपनियों पे छापे मरवाए और जब ईडी के कंपनियों से वो डर गए, छापे से डर गए, तो उन्होंने आपको चंदा दे दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा सामने आया है, एक मिनट, कंपनियों का आया, कांग्रेस को दिया कि नहीं उन्होंने? दिया है। टीएमसी को दिया कि नहीं दिया उन्होंने? दिया, बिल्कुल दिया है। कौन सा तर्क? रीजनल पार्टी को दिया कि नहीं दिया? डीएमके को सबसे ज्यादा मिला। केरला में वामपंथियों को मिला कि नहीं मिला? देखिए, तर्क बेमानी है। मैं फिर आपसे कहूंगा, अब बुरा नहीं मानिएगा, उसी टीवी चैनल को विज्ञापन मिलता है जिसका टीआरपी ज्यादा होता है। बिल्कुल। उसी अखबार को विज्ञापन मिलता है जिसके पाठक अधिक होते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। और जो जर्मन में, जर्मनी में जहाँ फंडिंग होती है, गवर्नमेंट फंडिंग, वहाँ भी उसी को अधिक पैसे मिलते हैं सरकार के, जिनका वोट अधिक होता है। और भाजपा के कितने एमपी हैं, भाजपा के कितने विधायक हैं, भाजपा की कितनी सरकारें हैं। एक बात मैं और कहूँगा, ये जो नाम नहीं बताने की शर्त थी, उसका कारण था, आज का लोकतंत्र थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा का हो गया ना, तुमने उसको दिया, हमको क्यों नहीं दिया? तो कहा भैया, हम सहयोग करेंगे, नाम मत उजागर करिए। वो अच्छी सोच थी। अब चलिए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय किया तो ठीक है, कोशिश ईमानदार थी, उसमें थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उसको फिर से दुरुस्त किया जा सकता। बिल्कुल, यही बताने की जरूरत थी कि भैया इसको और ठीक करिए। एक कोशिश हुई है, ठीक है, थोड़ा कुछ और बेहतर। मैं आपसे पूछूंगा, ईमानदार पैसे आने चाहिए कि नहीं फंडिंग में? इसमें तो कोई शक नहीं है। आप इलेक्शन लड़ेंगे तो पैसे की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सब पैसे आए नंबर दो तरीके से, एक सही तरीके से आने चाहिए, यही बात थी। इंडी गठबंधन को लेकर के क्या राय है आपकी? आप लोगों के सामने है कहीं, वो नहीं है? मैं भी लालटेन लेके ढूंढ रहा हूँ, लालटेन लेके मैं इंडिया गठबंधन को ढूंढ रहा हूँ। देखिए राय जी, ये देश अब बदल गया है। अब देश स्थायी सरकार चाहता है। अब मोदी जी की अगुवाई में स्थायी सरकार है तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, पांचवी इकोनॉमी बन गया, तीसरी बनने के रास्ते पर है, भारत का मान बढ़ता है, भारत की साख बढ़ती है, भारत में पूंजी निवेश होता है। आज पीएम के आदेश के तले कुछ बड़े काम करने का सौभाग्य मुझे मिला ना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, देश के टेलीकॉम आईटी मंत्री में, ये पूरा जो आपका डिजिटल पेमेंट है, 3 तलाक है, 370 अमित शाह जी ने लाया, थोड़ा बहुत सलाह मैंने भी दी थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में रामलला का तो मैं वकील था ही। ये सब काम हुए कि नहीं हुए, कैसे हो गए ये सारे काम? जैसे राम मंदिर, ये सारे काम तो गिरा रहे हैं, जब आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया तो बात कर ही लेते हैं इसकी। बीजेपी एक नारा देती है या बीजेपी के कार्यकर्ता नारा देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विपक्ष बार बार इसी पे सवाल उठाता है कि राम को लाने वाले ये होते कौन है? राम जी तो कहीं गए ही नहीं थे, राम जी तो वहीं थे, बस आपने उनका भव्य मंदिर बना दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट खाने की कोशिश करती है। बहुत सही कहा, मनमोहन सिंह सरकार में बनता गए, हमारे रामलला 10 साल टेंट में भींगते थे। राय जी क्षमा करिए, आप ज्यादा ही समय रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता था, मैंने कस के कहा कि हमारे रामलला भींगते रहेंगे, विरोध करते थे लोग। कांग्रेस के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या कारण डाला? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट नहीं आने दिया, ये सब जानते हैं ना आप, कृपया करके ऐसे बातें मत कहिए, मैं सब जानता हूँ। मैं सिर्फ विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो वो कहता है। विपक्ष के लोगों ने राम मंदिर न बने इसके लिए सारे अड़ंगे लगाए, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। आज भव्य मंदिर बना है, सुंदर मंदिर बना है, प्रामाणिक मंदिर बना है, बनने दीजिए। और उनको तो वोट बैंक की इतनी चिंता है कि उनको निमंत्रण भेजा गया फिर भी नहीं आए, तो क्या बात करेंगे। अखिलेश यादव की एक जगह जाने का बड़ा जिक्र हो रहा है, मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है जेल में और उनकी मौत पे शोक संवेदना व्यक्त करने वो जाते हैं, और उसके बाद एक फोटो भी वायरल होती है, शायद आपने वो फोटो देखी होगी अफजाल अंसारी के साथ। कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और ख़ास तौर से चूंकि एक वकील भी हैं आप, जेल में डेथ होना थोड़ा सा तो अननेचुरल लगता है। मुझे शर्म आती है, मुख्तार अंसारी के गैंग ने कितने निर्दोष लोगों को मारा और उनकी जमीन हड़पी, उनके यहाँ कभी अखिलेश बाबू गए?
तो भाई पूरी जांच हुई है ना, 5 से अधिक डॉक्टरों ने पूरा किया है ना आपके पोस्टमार्टम, सब बातें सामने आई, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जो बोले कि ना अखिलेश यादव कभी गए क्या, जो लोग उनके हत्या अत्याचार के भोगी हैं, नहीं ना, चलिए छोड़िए, वोट के लिए यही वोट का सवाल है। अतीक और मुख्तार अंसारी इम्पोर्टेंट हैं, उनके अपराध के विक्टिम्स इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं रविशंकर जी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी समझना चाहता हूँ। अतीक अहमद माफिया था, अपराधी था, कोई शक नहीं है। मुख्तार अंसारी माफिया था, अपराधी था, कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी मौत जिस तरीके से हुई है, चाहे वो अतीक अहमद की गोली मार के सार्वजनिक तौर पर हत्या की गई हो या मुख्तार अंसारी की जेल में डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से, ये थोड़ा सा जो और भी लोग हैं जो मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं, वो भी ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, जिन्हें मारा वो पकड़ लिए गए, जेल में है अतीक के केस में, आपने भी देखा। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा दी ना, वो कोर्ट के आदेश से जेल में थे ना। अब जेल में बीमारी हुई, इलाज चला, वो गुजर गए। अब मेडिकल सर्टिफिकेट है, उस पर मैं क्या बोलूं, बाकी जांच कमेटी तो बनी गई है। लेकिन वो जेल में कोर्ट के आदेश से थे। लेकिन मैं पॉलिटिकल सवाल उठा रहा हूं, आज उनके द्वारा हत्याई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बने हैं ना, योगी सरकार ने बनवाए हैं ना, आगे और बनेंगे। ये माफिया राज कब तक चलेगा साहब, कब तक चलेगा, कब तक चलना चाहिए, ये देश को सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो वोट बैंक का दावा करते हैं जो सच्चाई नहीं होती है। कहाँ से कार्बाइन आई, कोई DSP खड़ा हो तो मरवा दिया जाए, कोई विधायक खड़ा हो तो मरवा दिया जाए, ये कब तक चलना चाहिए। नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं। अच्छा। जो करते हैं, इसीलिए उनकी हालत यहाँ पहुँच गई है। अब थोड़ा बंगाल की तरफ चलते हैं सर, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, बंगाल में भी आप बहुत लंबे समय तक काम भी किया है, आपने प्रभारी भी रहे हैं। पिछली बार तो आपने 18 सीटें जीती थी, इस बार का क्या है? आप नोट कर लीजिए, ममता जी की पार्टी से भाजपा वहाँ ज़्यादा होगी। जो भाजपा को 2-3 सीटें मिलती थी, उन्होंने 20 सीटें 18-20 जीती ना। जो भाजपा को 3-4 सीट विधानसभा में मिलती थी, आज हम लोग 77 प्लस आए ना, CPM CPI कांग्रेस 0 हो गए ना, ये वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। 37 साल झेला है वामपंथ के अत्याचार को, 10 साल से अधिक झेल रहे हैं TMC के अत्याचार। मैं गया था बंगाल में, जो पंचायत के चुनाव में जो हमले हुए, जो अत्याचार हुआ, मैं तो अड़ करके गांव में गया, क्या वाक हो गया साहब। एक महिला प्रेग्नेंट थी, क्या हमला किया, उसके घर को तोड़ दिया था, किस तरह लोगों को मारा है। मैं अस्पताल में मिलने गया, जलपाईगुड़ी में, सब जगह। ये क्या मतलब है, ये क्यों होना चाहिए? तो जनता और संदेश खाली तो आपके सामने है, गरीबों की जमीन छीन ली गई। शाहजहां शेख के और उनके गुर्गों ने महिलाओं से अत्याचार किया, एक महिला मुख्यमंत्री है, क्या समझते हैं देश देखता नहीं है, बंगाल की जनता देखती नहीं है क्या? एक बड़ा संकट बंगाल में एक सामने आया है, चूँकि आप कानून मंत्री रहे इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। NIA की टीम पिछले दिनों गई थी रेड करने के लिए, उस पर भी हमले हो जाते हैं। CBI की टीम जाती है, उस पर भी हमले के आरोप लगते हैं। ED पर भी लगते हैं। और जब ये छापेमारी होती है, अपने केंद्रीय एजेंसियाँ अपनी कार्रवाई करती हैं, तो वहाँ की पुलिस इन पे उल्टा केस करने की कोशिश करती है, उल्टा आरोप लगाने की कोशिश। अभी NIA पर जो हमला हुआ, NIA कोर्ट के आदेश से गई थी रेड करने। ऐसा क्या है कि ममता जी के बंगाल में सारे आतंकवादी ये विश्वास करते हैं कि हमें पनाह मिलेगी? तो अभी ED पर हमला होता है, जब मामला खुला तो देखिए शाहजहां शेख की कहानी सामने आई, बाकी कहानी सामने आई। ये लोग इतना ED CBI पर हल्ला करते हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि बंगाल के मंत्री के घर से 60 करोड़ निकला कि नहीं निकला, कैश? बाकी क्या से निकला कि नहीं निकला, कैश? कोर्ट से बिल मिला क्या? तो आरोप का जवाब नहीं देते हैं, खाली CBI ED किए रहते हैं। आपके खिलाफ आरोप क्या है, ये तो जवाब नहीं देते हैं। और क्या कितने करोड़ निकले हैं आपके यहाँ से, ये तो नहीं बोलते। सर विपक्ष ये जो कहता है कि हमारे यहाँ से तो निकाल लेते हो, अपना कोई नहीं पकड़ते हो। रुकिए, रविशंकर सिर्फ रामलला का वकील नहीं है, चारा घोटाला का PIL करने वाला वकील मैं ही हूँ ना। बहस किया था, सुशील मोदी पेटिशनर थे, लालू जी को सजा हुई कि नहीं, सप्लाई को सजा हुई कि नहीं, अलकतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं, जमीन दो नौकरी लो,
चल रहा है कि नहीं, ये क्या मतलब है, ये क्यों होना चाहिए, क्या बिहार के जंगल राज को भूल जाएं हम लोग, ये चलना मुश्किल था, बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप मोदी सरकार में जो देश का मान बढ़ा है, अभिमान बढ़ा है, तो अभिमान बढ़ा है उसको भी देखना पड़ेगा ना। लेकिन वही है ना कि जैसे हम इन सारे लोगों की बात एक तरफ है, बात ये होती है कि ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, वो बीजेपी के नेताओं को कभी रेड नहीं करती, पहली बात। और दूसरी बात, विपक्ष के जिन नेताओं को रेड करती है वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको रेड नहीं करती। मैं इसको एक बार करेक्ट कर दूं, बहुत विस्तार से जवाब आया है, किसी का केस विड्रॉ नहीं किया गया, बहुत लोगों के केस पेंडिंग है कोर्ट में। तो विपक्ष कहता है हेमंता बिस्वा शर्मा, हाँ पहले रुकिए रुकिए तो सही ना, एक मिनट, सबके मामले कोर्ट में पेंडिंग है। हेमंत शर्मा क्या केस था बताइए मुझे, आप इतने सारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो बड़े केस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो केस चल रहे हैं, वो तो कोर्ट में है या बाकी है, किसी कहीं ईडी ने विड्रॉ की बात कही है, इस पर नहीं कही। इसलिए छोड़िए उस बात को, वो हल्ला करते हैं तो करने दीजिए। लेकिन जो विपक्ष बार बार आप लोगों से ये कहता है ना कि आप जैसे कह रहे हैं कि कोर्ट में विड्रॉ नहीं हुआ है, स्लो कर दी जाती है प्रक्रिया, कोई पूछा नहीं जाता है कई बार। अब वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो डरते हैं सैंक्शन पर, ये लोग नहीं कम डरते हैं क्या? देखिए ये गलत बात है, इसलिए मैंने आपको सूत्र में बात बताई। हाँ फिर कहूँगा, उनके खिलाफ एलिगेशन क्या थी तो बताइए आप। और जिन लोग का चल रहा है, इन लोगों को बेल मिली क्या, सिसोदिया हूँ या बाकी लोग हूँ? मैं अपने आखिरी बात इसी से करना भी चाहता था आपसे, क्योंकि दिल्ली का मामला है, नई नई पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जिसमें आप लोगों का भी कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष सहयोग रहा, कांग्रेस के खिलाफ पूरी वेब बनी, आज वह पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उसके मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जाते हैं, उसके उप मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जाते हैं, शराब घोटाले की कहानी सामने आती है, और जब संजय सिंह को बेल मिलती है तो वो कहते हैं कि बीजेपी इसकी मास्टरमाइंड है। तो मुझे एक चीज बताइए, 6 महीना रहे जेल में ना, बेल कोर्ट ने दिया ना, सुविधा को तो नहीं मिला अभी तक। हाँ ये पीड़ा जरूर है कि जो व्यक्ति अन्ना हजारे का शिष्य था, आज किस तरह से, क्या प्रशांत भूषण, क्या शांति भूषण, क्या साजिया इल्मी, क्या मैडम बेदी, क्या अनुपम खेर, क्या योगेंद्र जी, सबको साइड करके निकल गए और सबके इस्तीफा मांगते थे, और आज क्या कहते हैं कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा। हाँ जी, ये भी एक सवाल है, आप कानून मंत्री रहे हैं, जरा इस पर सर विस्तार से बताइए ना, जेल से कानून चल कैसे सकती है सरकार, थोड़ा सा लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। जब संविधान बना था तो बाबा अम्बेडकर और राजेंद्र बाबू कभी नहीं ये अपेक्षा करते थे कि लोग जेल जाके भी कहेंगे कि मैं सरकार चलाऊंगा। लालू प्रसाद को भी अपनी पत्नी को बताना पड़ा ना, आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। हेमंत गए ना तो इस्तीफा दिया ना, हाँ हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर कि ये सवाल उनसे पूछिए, नैतिकता का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल। नैतिकता से ज्यादा यह कि जब आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो आपने तो गोपनीयता की शपथ ले ली, संविधान की शपथ ले ली, आपसे मिलने तमाम लोग आते हैं, जो आप कागज साइन करके भेजेंगे वो पुलिस महकमे से होता हुआ ही जाएगा। अब तो संदेश दे रहे, गोपनीयता की शपथ भी भंग होती है, वो संदेश दे रहे हैं पत्नी से पत्नी। अब मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। चलिए वो तो एक लाइन में कर देते फिर, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पे उन्होंने किया था लालू जी ने। ये बहुत पीड़ादायक है, ईमानदारी के लिए आंदोलन करने वाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक व्यक्ति, एक चेहरा ऐसा निकलेगा, ये बहुत दुर्भाग्य। बिहार में एक नया नाम आप लोगों के सामने आया है, प्रशांत किशोर का, आप लोगों के साथ लंबे समय तक काम भी कर चुके हैं, अन्य पार्टियों के साथ भी काम कर चुके हैं, और अब वो जनसुराज यात्रा लेकर के चले हैं 2025 में कवायद उनकी पूरी चुनाव लड़ने की, अपोनेंट के तौर पर देखते हैं, सहयोगी के तौर पर? नहीं, स्वागत है उनका, लोकतंत्र में सबका काम है, आइए चुनाव लड़ेंगे, वो भी लड़िए। अब लोकतंत्र तो यही है कि हर को, देखिए एक बात आप जान लीजिए, हिंदुस्तान के वोटर इस बात को जानते हैं कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को भी बदल सकते हैं, कितना बड़ा नेता, कितनी बड़ी पार्टी, केंद्र में या प्रदेश में। हिंदुस्तान के वोटर ये भी जानते हैं
कि देश चलाने के लिए कौन नेता उपयुक्त है और प्रदेश के लिए कौन उपयुक्त है। छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करें दीजिए, जनता को सैल्यूट। देखिए वो आप लोगों की स्ट्रेटजी भी जानते हैं ना, जब 2012 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया, विधानसभा चुनाव में, 14 में लोकसभा में, बाकी पार्टियों के साथ। स्ट्रेटजी जनता जानती है और जनता निर्णय करती है कौन देश चलाएगा, कौन प्रदेश चलाएगा। एक आखिरी सवाल, और हम लोग बिहार में भी काफी अच्छा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये बताएं, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार, शुरुआत होती है बीजेपी की एंट्री के बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार में, आते जाते रहते हैं, जब मन करता है आपके साथ आते हैं, जब मन करता है आपसे निकल जाते हैं, दुनिया उन्हें पलटू नाम बोलने लगी है, पलटते तो फिर आप लोग भी हैं, कभी साथ जाते हैं कभी। देखिए अब जब एक बार नीतीश कुमार ने पीएम के सामने औरंगाबाद की सभा में कह दिया कि मैं चला गया था, गलती हुई, अब मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, नवादा में भी रिपीट किया, तो जो बीत गई सो बात गई, कई बार कह चुके हैं, अब बीत गई सो बात गई। चलिए साहब, भविष्य की ओर आगे देखिए मुस्कुराकर, और नीतीश जी से हम लोग पुराने संबंध हैं, बिहार के विकास के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, मुझे मालूम है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा नीतीश कुमार की सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए और काम करेंगे, हमारा पूरा विश्वास। एक संबंध पे ही सवाल है, क्या ये संबंध ही है नीतीश कुमार से ही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में उतनी मजबूत नहीं हो पाई है, त्रिपुरा जैसी जगह पर जाकर के आपने सरकार बना ली, नॉर्थ ईस्ट की सरकार बना ली? ये सवाल संबंध का है, हिंदी भाषा में ये सवाल संबंध का नहीं है। ये सवाल लालू प्रसाद का जंगल राज को समाप्त करना था, अच्छा गवर्नमेंट देना था, वो अपेक्षा थी लोगों की, वो सारी उसकी प्रक्रिया है। 20 साल हो गए सर, लेकिन चिंता मत करिए, भाजपा का भविष्य अच्छा है और रहेगा, चिंता मत करिए, लगे हैं हम लोग। चलिए आप आखिरी बिहार की जनता के लिए कोई आपका संदेश? जनता को प्रणाम, नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत जिताइए, एनडीए को जिताइए, और भारत को और आगे बढ़ाइए ताकि डबल इंजन का पूरा पहिया बिहार के विकास के लिए भी लगे। चलिए नाश्ते के साथ ही इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुक्रिया।